तो जब मैं इनके घर गया पहली बार ना, जब मैं कि हमारे पास वीडियो तो नहीं है, पर हमने उस समय की ऐसे वीडियो नहीं बना पाए, हमारे पास पिक है, फोटोज है। जब हम मैं इनके घर गया तो उस समय की को दिखाओ, उस समय की जो फोटोज है इनके घर की, हाँ ये देखो, तो आप देख सकते हो ये उस समय की फोटोज हैं। देखो ये सारा पैर पूरा, ये नाड़ी नजर आ रही है ना, पूरे पूरा गल चुका था पूरा पैर। तो जब ये चर्च आए तो उस दिन ले हैंड नहीं थी, पर उस दिन जब मैंने बोला कि ऐसी परमिशन मेरे मन में डाला कि जिसने भी ले हैंड करानी आगे जा आ जाओ, तो बहुत सारे लोग आगे निकल के आए, ये भी आए, तो उस समय का भी हमारे पास ले हैंड सीन है। तो भाई तुझे बड़ी जरूरत है, जो मुझे खुदावंद का रूप दिखा रहा है, मुझे बड़ी जरूरत है, तुझे आत्मा में आना पड़ेगा। जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है खुदावंद, कभी ऐसा ना होने पाए, और वो हो जिसमें महिमा है। यस परमेश्वर, तू भलियाई का परमेश्वर, तू ध्या करने वाला परमेश्वर, तेरी ध्या इसके ऊपर है, तेरी ध्या है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये बहुत ही बड़ी गवाही है जो हम सुनने जा रहे हैं, इसलिए इस गवाही को अंत तक सुने और दूसरों से शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। और अपने जो भी थंबनेल पर फोटोज पे देखा ना, तो ये हमारे साथ जो भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? जय मसीह की। मेरा नाम सुखराज सिंह, पिंड नबीपुर, जिला अमृतसर के रहने वाले। तो ये इनके साथ में इनके मिसेज हैं। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। तो इनकी गवाही ये है कि जो अभी इनके पैर पे जो चोट लगी ना, जो घाव आपने देखा, तो ये कंबाइन समझते हैं ना, कंबाइन जिससे धान और गेहूं की खेती होती, जो उसे काटते हैं, ये कंबाइन का काम करते, ये उसके ड्राइवर हैं। तो ये साथ में उस मशीन का रिपेयर का भी काम करते हैं। तो एक क्या नाम है उस पार्ट का जो वो लोहे का था? पापा जी वो बैरिंग, थ्रेसर था, बैरिंग सी 12-13 किलो था पीस। तो वो एक पार्ट था मशीन का, लोहे का एक बड़ा बैरिंग था जिसका भार 12-13 किलो के करीब था। तो वो जब उसे ये खोल रहे थे रिपेयर के लिए, तो जब उसे खोल रहे थे, वो एकदम से वो जब खोला तो इनसे संभाला नहीं गया, तो वो पैर, वो जो बैरिंग था लोहे का भारी 12-13 किलो, इनके ये इस पैर पर गिर पड़ा। कौन सा ये पैर है? लेफ्ट? हाँ हाँ जी पापा। हाँ ये नहीं, हाँ ये वाले पाँव भी लेफ्ट है कि ये राइट है? ये देखो हाथ, ये सज्जा है, सज्जे पैर पे ना। हाँ तो ये सज्जे पाँव पे वो जो इनके वो बैरिंग लग गया, और जिस दिन ये बैरिंग लगा पाँव पे इनके, तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो उस दिन कुछ नहीं हुआ, तो दो दिन के बाद क्या हुआ? पापा जी तीन दिन के बाद पापा जी 21 तारीख को बैरिंग लगा सी, अगस्त 2022। अच्छा 21 अगस्त 2022 नु, 2022 नु, 22 नु, मतलब ये बैरिंग आपके पांव में लगा है ना? पापा जी कुछ नहीं, उस तो दो दिन में फिर कंबाइन दे रिपेयर ते गया सी। नहीं, जब बैरिंग लगा तो पैर को कुछ नहीं ना कुछ हुआ? नहीं हुआ सी पापा जी। दो दिन बाद फिर मैं कंबाइन ते गया सी, तां तीसरे दिन पापा जी एदे सूजन आनी चालू हो गई सी, मतलब पैर में सूजन आ गई। सूजन आ गई, सुनो ठीक है, ओके। तो पैर में सूजन आ गई, जब सूजन आ गई तो ये फिर इन्होंने सोचा कि चलो हम दिखाते हैं, जैसे वो मालिशी होते ना, जो पाँव की मालिश करते, वो लेप करते, उनके पास गए ना? हाँ जी पापा। तो ये उनके पास गए, और जब उनके पास गए तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इसका पहले एक्स्रे कराओ। तो ये बहुत उस दिन दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी इनके पाँव में, तो उन्होंने कहा एक्स्रे कराओ। तो ये कह रहे हमें बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक वो लगाकर, वो मलम जैसी होती ना, वो
मेडिसिन लेप जैसी होती वो लगा दी और पट्टी कर दी। तो उन्होंने साथ में कहा आप ऐसा करना, सुबह कहा था कि रात को कहा था वो क्या करना है, वो जो लगाना है। पापा जी ऐसी सुबह गया सी नहीं, जो वो जो रेत का बता रहे थे रेत और नमक डाल के उनको गर्म करके कहते सी कि इधर सेक देना। हाँ मतलब जिस दिन ले गए उसी दिन उन्हें कहा कि एक रेत को गर्म उसमें नमक डालकर इसको सेक देना, जो सूजन आ गई थी तो उन्होंने वो किया है ना। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो इनके पाँव पे एक छोटा सा शाला हो गया है ना, शाला हो गया ना जी पापा। तो जब अब वो शाला हो गया इनके पाँव के ऊपर, तो फिर इन्होंने कल एक्सरे के लिए जाना था, मतलब डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों सूजन है। तो जब ये बता रहे हैं कि जब कल जाना था तो क्या हुआ कि रास्ते में जब ये जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते इनकी पाँव और जो लेग इनकी जो टांग है वो पूरी तरह से और ज़्यादा सूज गई। जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? पापा जी उदा के कोलो असी एक्सरे करवा गए जेडे डॉक्टर मिलना सी, डॉक्टर ने बोलिया एक्सरे करवा के लियाओ। असी पापा जी चार एक्सरे करवाए सी तां उन्होंने कोई समझ नहीं सी आ रही, फिर उन्होंने नाल अपना डॉक्टर भेज के एक्सरे करवाने लिए गए। तो पापा जी पंजवें एक्सरे से आन के विखा लिया तो कहते ये खून अलग हो गया तो रेसा अलग हो गया, ये लोहा बेस हो गई है। अच्छा ऐसे उन्होंने? हाँ जी पापा जी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, एडमिट हो जाओ? हाँ जी पापा जी, जो वेख के उन्होंने आख्या कि तुम एडमिट होना पेगा। फिर पर साढ़े कोई पैसा नहीं सी, फिर आप घर आ गए। पापा जी उन्होंने बोलिया कि असी कुछ अरेजमेंट करके ते फिर एडमिट होवांगे, ते साढ़े कोल पैसा नहीं असी एडमिट नहीं हुए पापा जी। तो कि है ना जैसे अभी आपने सुना कि ये घर आ गए, तो फिर आप कौन सा दिन था वो जब आप घर आए? तो पापा जी शुक्रवार। शुक्रवार था ना, तो फिर इनके पास पैसे नहीं थे तो ये घर आ गए। फ्राइडे का दिन था तो सैटरडे जी सोच रहे थे कि हालात भी बहुत बड़ा था, तो फिर इनके मन में आया हम चर्च जाएंगे और परमेश्वर हमें अच्छा करेगा। तो जिस समय ये चर्च आए तो इन्हें चार पाई पर लेकर आए, क्योंकि उस समय इनके पैर का जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब हो गई दो दिन के अंदर अंदर। क्योंकि जिस दिन ये हॉस्पिटल गए ना उस समय तो पैर ठीक था, पर दो दिन में वो पैर की चमड़ी वो जो गल गई है ना, दो दिन में पैर की चमड़ी भी वो गल गई। और जब सैचे ने ये लेकर आए तो उस समय सैचे ने न्यूज है ना, सैचे ने और शुक्रवार है ना, मतलब आप घर में रहे और संडे को आए चर्च में है ना। संडे आप चर्च में जब लेकर आए तो दो दिन में वो पहले जो ऊपर की चमड़ी थी वो गल गई सारी। हाँ जी पापा जी। तो आओ हमारे पास, जब ये चर्च आए चार पाई पे ने लेकर आए, क्योंकि इनके पाँव इनका नीचे पैर जमीन पर नहीं लिखता था, तो उस समय की जब ये भवन में आए तो हमारे पास ले हैंड है, तो आओ उस ले हैंड सीन को देखते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा है, ये देखो पूरा कैसे ये इसकी टांग गल गई सड़ गई है, पर परमेश्वर महान है, हम जानते ये देखो क्या हुआ है। यस खुदाबंद, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया है, डरो नहीं कुछ नहीं है। यस खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अरे कुछ नहीं होता डर से नहीं विश्वास से, बट पूरा डाल दो पानी क्या होगा। द नेम ऑफ जीसस, प्रभु तूने कहा कोड़ियों को तुम शुद्ध करोगे, मरे हो कुछ यस, उसी अधिकार के साथ खुदा आज जितना भी ये रोग है, इन्फेक्शन है, ये बीमारी है, आज जड़ से इन द नेम ऑफ जीसस, जड़ से सूख जाए ये सारा जखम, सारी इन्फेक्शन जड़ से, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री तेरे नाम से मैं से हील करता हूं, चंगा हो जा यीशु के नाम से, फ्री।
देखे, जैसे अभी आपने स्ले हैंड को देखा, और उस दिन बारिश हो रही थी। अच्छा हुआ कि ये बारिश से भी डरे नहीं जिस दिन ये आगे, क्योंकि ऐसे नहीं मन में आया कि पाँव भीग जाएगा, ऐसा है ये विश्वास से बस आगे, क्योंकि पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा हम परमेश्वर के घर जाएंगे और परमेश्वर हमें अच्छा करेगा, है ना। तो जब आप चर्च आए तो बताओ फिर उसके आगे ठीक रहा आपका पैर, कैसे दर्द फिर दोबारा तो नहीं हुई? पापा जी चर्च आए सी तो उस तो अगले दिन फिर ठीक रहा, तो उस तो अगले दिन दर्द फिर चालू हो गई सी। मतलब जैसे मतलब मंडे को ठीक रहे, मंडे को जो दर्द बहुत ज्यादा थी वो रुक गई। हाँ जी पापा जी। पर मंगलवार को दर्द फिर? मंगलवार को पापा जी दर्द फिर चालू हो गई, फिर दर्द शुरू होगी बहुत ही ज्यादा। हाँ फिर आपने क्या किया जब दर्द शुरू होगी? फिर पापा जी असी दर्द दिवासी थी साडे पिंड दे डॉक्टर सी नर्स, असी उन्हें बुलाया भी कोई इंजेक्शन ऐसा लाऊगी कि जड़ी दर्द रुक जावे। हाँ तो सुनो सारे, है ना, चुन के गांव की एक लेडीज डॉक्टर थी, नर्स थी, तो उन्होंने पैसे नहीं तो उन्हें अपने घर बुला लिया, क्योंकि इनके गांव थी, तो उन्होंने जब बुलाया तो उसने जो भी अपने हिसाब से इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, है ना। तो जब मेडिसिन शुरू की उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कुछ इंजेक्शन होते हैं ना जो रेशा सुखाने वाले, तो वो आपको बताए ना, तो फिर आप वो कैसे दिन में कितने इंजेक्शन लगते थे? पापा जी दो इंजेक्शन लगते सी, एक शाम नु लगदा सी, एक सुबह। वो कितने का इंजेक्शन था? पापा जी 500 रुपए का एक सी। मतलब एक दिन के 1000 के आप दो इंजेक्शन लगवाते थे और मेडिसिन अलग से। ये कितनी देर तक ट्रीटमेंट चला आपका? ये पापा जी एक महीने तक लगातार। एक महीना, तो एक महीना जब ट्रीटमेंट चला तो फिर आराम मिला आपको? पापा जी एक महीने तो वो जो इलाज चलता सी उस तो बाद हालात सगों ही खराब हो गए। सुनो, है ना, तो जब एक महीना इनका ट्रीटमेंट इन्होंने उस लेडीज डॉक्टर से करवाया तो ठीक होने के मतलब उस मेडिसिन से इंजेक्शन से ठीक होना था, पर इनका कहना कि वो हालात और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा रेशा पानी हो गया ना, और ज्यादा मतलब हालत खराब होगी। फिर क्या, जब ज्यादा होगी तो फिर क्या हुआ आगे बताओ? जब कुछ नहीं हुआ पापा जी बिल्कुल ही मांस जड़ा ही लत गया सी। फिर थल्ले नाड़ा दा हड्डियां निकल लग गया। फिर नहीं, जैसे आपने लिखवाया कि जब एक महीना वो सारा रेशा पानी भर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने लिखवाया कि हमारे जो घर के वो जो आपके परिवार में आपके रिश्तेदार है वो आए, है ना। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे कहा ना, जो आपके रिश्तेदार घर आए तो उन्होंने कहा ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से, ये लगता है कि वो जो सांप का बोलते ना थूक जिसे हम कख बोलते हैं, तो ये वो लग गया है, इसलिए ये डॉक्टरी इलाज नहीं है, इसलिए इस मेडिसिन से इंजेक्शन से कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो उन्होंने आपको एक सलाह दी कि आप ऐसा करो कि जो सांप का वो थूक लग जाता है उसका जो फांडा वगैरह कराते हैं वो करवाओ, है ना। हाँ जी तो इन्होंने मन में सोचा ऐसे ना, जैसे मान लो ये इनके मिसेज है तो इनके मन में आया कि हम तो विश्वास करते हैं ना। हाँ जी पापा। तो ये हम नहीं ये चीज नहीं करेंगे, है ना। हाँ जी। तो इनके मन में आया कि हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये चीज नहीं करेंगे। हाँ जी। तो पर हालात इतना ज्यादा था तो उन्हें मजबूरी में, जैसे मान लो मजबूरी में इंसान सोचता ना कोई बात नहीं प्रभु जी आप जानते हो ना, जैसे मान लो अपनी बुद्धि समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो उन्होंने उस हिसाब से क्या किया कि जो रिश्तेदारों ने बताया तो उनके कहने के अनुसार ये प्रभु का नाम लेकर विश्वास, तो ये डर भी रहे थे हा? तो पर हालात इतना ज्यादा था तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं प्रभु का नाम लेकर करवा लें, तो फंडा भी करवा लिया, है ना। उन्होंने फिर जब उनके पास आप गए, है ना, वो जो उनके पास वो अपने फंडा कराया, उन्होंने भी कुछ दिया आपको कुछ लगाने के लिए कुछ? हाँ जी पापा जी, उन्होंने बोलिया सी कि देसी घ्यो और प्याज लैके थोड़ा निम लैके उन्होंने चंगी तरह भुन के ते दे उत्ते लाउणा। कादे च देसी घ्यो दे विच? देसी घ्यो विच उसे। हाँ जी, देसी घ्यो दे विच भुन के दे उत्ते लाओ कि एदे नाल आराम आ जांदा। समझ आ रही है। तो प्याज एक जैसे नीम होती है और देसी घी में उसको मिक्स करके जैसे पूरा उसे जैसे हम फ्राई करते हैं किसी चीज को ना, मतलब समझ रहे हो पंजाबी का शब्द है भुन के करना, है ना,
मतलब उसे पूरी तरह से फ्राई कर लेना और उसको पीस लेना है ना, और उस जख्म के ऊपर लगाओ। ये फिर कितनी देर तक आप लगाते रहे? ये पापा जी काफी टाइम, मतलब दो कितने, दो महीने भाई, या डेढ़ दो महीने? दो महीने लगाया, ठीक है। ऊपर भी हो सकता। तो ये कम से कम दो महीने या प्लस थोड़े दिन ऊपर लगा लो, वो ट्रीटमेंट भी कराते रहे, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। बोलोगे इससे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और ये बहुत इनका मन ऐसे उदास हो गया कि कहीं से भी हमें आराम नहीं मिल रहा। और ये जब भी जैसे चर्च में टीम को ये फोन करते थे, क्यों जी करते थे आप फोन जी? पापा जी जो भी दर्द, तो जब वो दर्द जैसे जा पाते तो ये साथ साथ में इन्होंने बताया नहीं, तो ये प्रेयर भी करवाते थे कि दर्द बढ़ी है, तो टीम प्रेयर भी कर देती कि ठीक है। पर प्रेयर करवाने से भी जो इनकी दर्द है वो कम नहीं होती थी। तो क्या हुआ कि जब दर्द कम नहीं हो रहा, तो कम से कम ये दो एक महीना वो डॉक्टरी इलाज चला, और दो महीने से प्लस है ना वो इलाज चला, तीन महीने से प्लस आप चार पाई पे रहे ना, मतलब बिल्कुल भी आप चार पाई से पांव नीचे नहीं रख सकते, मतलब चल नहीं सकते, तो जख्म इतना ज्यादा पूरा पानी रेशे से भर गया है ना। तो ये चार पाई पर ही तीन महीने से ज्यादा चार पाई पर रहे, मतलब बाथरूम टॉयलेट इनका ऊपर ही, मतलब चार पाई पे ये सब कुछ करते थे। और कुछ भी समझ नहीं आता, जब दर्द होती तो कॉल करना, प्रार्थना करवा लेनी, और बस ऐसे चल रहा था। तो फिर प्रभु ने मेरे मन में अपनी ऐसे सुविच्छा को डाला, जैसे फिलिपियों 2:13 में लिखा है कि परमेश्वर ही अपनी इच्छा और सुविच्छा के नियम काम के इरादे को पूरा करने का प्रभाव हमारे मनों में डालता है। तो फिर परमेश्वर मुझे इनके घर लेकर गए, विजिट मैं इनसे मिला। तो जब मैं इनके घर गया तो जो वो बाबा जी ने जो फांडा, वो जो कुछ भी इन्होंने कहा था कि ये लगाओ, तो इन्होंने एक नीम को ऐसे धूप में ऐसे उसे सूखने जैसे बोलते हैं ना, उसको डाला था धूप में। तो जब मैंने पूछा तो ये इन्होंने नहीं बताया, ये बंदे बहुत से ऐसे किसी ने बताया। तो बाद में जब मैं पूछने लगा ये सारा कुछ, तो ये कहते ऐसे ऐसे, फिर वो भी सच्चाई बताई कि हमने फंडा करवाया जी, ये है वो है। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत चीज आपने कर दी है, ये तो परमेश्वर के सन्मुख ये पाप है, गुनाह है। बोलो क्या है? तो जब मैंने नहीं समझाया कि ये तो गलत चीज है, ये गुनाह है, पाप है। तो जब मैं इनके घर गया पहली बार ना, जब मैं तो उस समय इनके पांव का जो पैर की हालत थी वो पूरा गल चुका था, मतलब वो उस पैर से सारा मांस रेशे पानी जो बड़ा था वो सारा मांस सारा मतलब खत्म हो गया, और हड्डियां नीचे से नजर आ सी। उस समय के हमारे पास वीडियो तो नहीं है, पर हमने उस समय की ऐसे वीडियो नहीं बना पाई, हमारे पास पिक है, फोटोज है। जब हम मैं इनके घर गया तो उस समय की को दिखाओ, उस समय की जो फोटोज है इनके घर की, हाँ ये देखो, तो आप देख सकते हो ये उस समय की फोटोज हैं। देखो ये सारा पैर पूरा, ये नाड़ी नजर आ रही है ना, पूरे पूरा गल चुका था पूरा पैर। ये अपनी बुद्धि से वो सारा कुछ तो कर रही, पर उससे करने से इनका और ज्यादा मतलब ऐसे ये हालत होगी। ठीक है, ओके, तो ठीक है, बहुत है, हाँ हाँ। तो सुनो आगे, तो फिर मैंने इन्हें कहा मन फिराओ, तौबा करो, अपने ये गलत गुनाह किया है। मैंने फिर प्रार्थना की, क्योंकि ये एक तो ये चीज की, और क्या है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई प्रेयर नहीं, कोई वचन नहीं, कोई प्रेयर कुछ नहीं ना करते थे। तीन महीने तक कुछ नहीं ऐसा किया ना, तो कुछ भी ये प्रेयर कोई वचन नहीं कर रहे थे। ये उन चीजों में इनका मन लग गया ना, वही चीजें जो एक महीना पहले डॉक्टरी ला, दो महीने इन चीजों में निकल गए, तो कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। हाँ बस फोन कर देते थे जब ज्यादा तकलीफ होती थी। तो उस दिन जब मैं गया तो फिर मैंने मन फिराया कि आपसे प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर तुम पर दया करेगा। तो उस दिन मैं ये चीजें सारी समझा कर आ गया, और सेकंड अगले वीक दूसरे हफ्ते में फिर परमेश्वर ने मुझे ऐसे अपने मेरे मन के अंदर उसने अपनी सुविच्छा को डाला, और मैं सेकंड दूसरे हफ्ते
फिर इनके पास गया। जब मैं दूसरे हफ्ते गया तो मैंने इनसे पूछा कि जो मैंने समझाया वो सब चीजें कर रहे हैं? कहते हैं हाँ यस, हम वो चीजें कर रहे हैं, अब प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं। मैं इनकी मिसेज से पूछा कि ये कर रहे हैं? तो ये कहते हैं हाँ जी कर रहे हैं, अभी तो ये कर रहे हैं सब कुछ। तो मैंने नहीं, फिर उस समय एक वर्ड दिया, वचन दिया कि आज से 3 दिन के बाद ये चलेंगे। बोलो क्या ये तो चलेंगे? फिर बताओ जो मैंने वचन दिया था, फिर आप उठे उस दिन 3 दिन के बाद चले? हाँ जी बाबा जी। तो सुनो, 3 दिन के बाद फिर उस शांस से, जैसे 38 साल के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना अपनी खाट उठा, तो उन्होंने शांस से 3 दिन के बाद परमेश्वर ने ऐसे इनके मन में अंदर ताकत दी, ये उठे। तो उस समय तो दर्द तो थी, पर शांस से उठे और चले। और जब उठे और एकदम से जो पानी वो और रेशा से पैर भरा था वो बाहर आने लगा ना, जब अब चले तो वो सारा पानी रेशा बगने लगा, है ना, वो बाहर आने लगा। तो जब आने लगा तो डरे नहीं, फिर ये उस वचन से विश्वास ऐसे मन के अंदर आ गया ना, ऐसे परमेश्वर दलेरी देता अपने वचन से। तो फिर ये चलते रहे 2-3 दिन, रेशा इनके जब चलते थे तो पांव से वो निकलता था बहुत ज्यादा। फिर ये डरे नहीं, फिर हम भी इन्हें उत्साहित करते रहे, इनका मन अच्छा हो गया, प्रभु की बातों में लग गया। और फिर क्या हुआ, ये हलवाई का काम करते हैं ना, हलवाई का काम है ना जी पापा जी। तो ये हलवाई का काम करते हैं, तो फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ समय बाद, जैसे मान लो 1 महीना ऐसे निकल गया लगभग के बीच, है ना, तो फिर इन्होंने अपने काम पर भी जाना शुरू कर दिया। बाइक से जाते थे जी पापा जी, अपने काम सी उन्होंने कारण पर मैंने दलेरी की, दलेरी की ना, ऐसे परमेश्वर ने बड़ा बल दे दिया, अपने प्रभु ने मैंने बल देता। सुनो सुनो ठीक है ओके। तो फिर ये क्योंकि इनका पैर कुछ समय में थोड़ा वो जो नाड़े दिख रही थी उसमें मांस भर गया, तो फिर ये पट्टी बांधकर उसको ऐसे एक पॉलीथिन के कोई डस्टना, ये अपने ऐसे काम करते रहे कुछ समय तक। समय तो कुछ बीत गया, कुछ महीने बीत गए, पर जो बहुत ज्यादा इनकी वो जो पैर की नाड़े नजर आ रही थी बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ में, वो परमेश्वर ने फिर उस दिन से खत्म कर दी उस वचन से। फिर ये अपना साथ साथ काम करते रहे, क्योंकि रेस्ट भी नहीं ना मिली, रेस्ट नहीं मिली कि वो जल्दी अच्छा हो जाए। फिर ये काम करते रहे और काम के साथ साथ परमेश्वर ने पूरा पैर इनका जो पूरा ऐसे मांस से पूरा भर दिया, पूरा मांस भर दिया, फिर चमड़ी भी आ गई उसके ऊपर। पर क्या हुआ कि फिर एक पेंसिल जितना, जैसे पेंसिल होती है उतना एक शेक इनके पांव के अंदर था जो ठीक नहीं हो रहा था। अब बोलो क्या, सारा पैर तो ठीक हो गया, पेंसिल जितना एक शेक था उसमें वो ठीक नहीं हो रहा था, वो ऐसे ही उसमें ट्रीटमेंट कुछ बीटाडीन वगैरह लगाते होंगे ना। हाँ जी पापा जी। तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तो अब जी चर्च तो आ रहे थे, क्या बोलो, चर्च आ रहे थे। तो फिर जैसे मान लो इन्होंने ठीक हो गया पैर और अच्छा, तो जैसे सर्दियों में ये हलवाई है ना, जैसे काम होते हैं, तो गर्मियों में काम नहीं होते ब्याह शादियों के, तो फिर इन्होंने सोचा कोई काम नहीं क्या करे, तो इन्होंने क्या कहाँ से पैसे उठाए पापा जी? वो भी ऐसी थे, मना कीता सी कि नहीं ऐसी नहीं कमेटी पौनी। अच्छा, पैर दे कारण आगे कमेटियां साडियां चलदियां सी। किसी ने ऐसे आपको कहा मतलब? पापा जी वो सानू बहुत ज्यादा जोर लाउन लगे कि नहीं ताडियां कमेटियां वधियां चलदियां पाओ, पर मैं फिर भी उन्होंने मना कीता सी। फिर परमेश्वर को मंगया कि परमेश्वर जो ही तेरी इच्छा है वो ही पूरी होनी चाहिए। सुनो सुनो, तो प्रभु ने जैसे इनके पास पैसे तो नहीं थे ऑटो लेने के लिए, फिर काम तो चाहिए था ना, मतलब ऐसे तो ये सोच रहे थे, तो किसी ने इनके जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा आप कमेटी डालो, तो कहते नहीं हमसे मतलब कमेटी दी नहीं जाएगी। तो उन्होंने उत्साहित किया, नहीं नहीं डालो डालो। तो जो पहली कमेटी थी वो इन्होंने उठा ली और ऑटो ले लिया। और जब ऑटो ले लिया तो फिर ये ऑटो चलाने लगे। तो क्या हुआ कि जब ऑटो का काम शुरू कर दिया तो इनके गाँव में ही कोई परिवार था जिनके बेटे को ऐसे दौरे पड़ते थे, तो वो जो भी अपनी धार्मिकता करते थे तो किसी ने बताया तो वहाँ पर लेकर जाओ, वहाँ पे ऐसे अच्छे होते हैं। तो इनको इनका ऑटो था, तो वो इनसे पूछा कि आप ऐसे हमें वहाँ पर ले जाओगे, कितने पैसे लोगे? तो उन्होंने कहा जी ठीक है इतने दे दो। जब शुरू किया तो उस समय तो इतना मन जब लेकर जाते रहे उनके साथ, पर धीरे धीरे वो जो धार्मिकता वो करते थे वहाँ पे जहाँ पे भी वो जाते थे जो किसी ने उन्हें बताया,
तो धीरे धीरे वो उनकी धार्मिकता इनके मन के अंदर भी आ गई। क्यों जी, ऐसा ही हुआ ना जी? पापा जी तीसरी बार तो लेके गया सी, उदो आ गई सी। उस समय इनके मन में आ गई जब तीसरी बार लेकर गए, है ना। कैसे, हफ्ते बाद जाते थे कि महीने? पापा जी हफ्ते बाद जाते, हफ्ते बाद जाते। तो सुनो सारी, है ना। तो तीसरी बार जब लेकर गई तो जो धार्मिकता वो करते थे तो वो धार्मिकता इनके अंदर आ गई, और ये अपनी उस चीज के लिए कि जे मेरा पैर नहीं ठीक हो रहा, चलो मैं भी ये कर लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। तो जब इन्होंने वो चीज करना शुरू कर दी और जितना पैर सारा ठीक हुआ था, फिर से वो पैर फिर से दोबारा वैसा ही शुरू होना हो गया। फिर से वो सूजन आ गई, बोलो क्या आ गई, फिर से वो पानी निकलना शुरू हुआ। पहले खाली पानी निकलना, ऐसे पानी उसी शेक से पानी निकला ना, वो पैर पे सूजन आ गई, फिर से वो ऐसे पैर फूल गया, है ना, थोड़ा फूल गया। और फिर ये देख रहे हैं और फिर से दर्द होने शुरू होगी। और जब ये कुछ दोबारा शुरू हो गया तो इन्होंने मुझे नहीं बताया कुछ भी कि हमारे साथ ऐसा होगा। तब ये फिर जब चर्च तो आ रहे थे, जब ये चर्च आए तो उस दिन ले हैंड तो नहीं थी, क्योंकि जैसे मान लो जहाँ पे जो ले हैंड आती तो अनाउंस किया जाता है फॉर्म फिल कराओ, तो उस दिन ले हैंड भी नहीं थी। तो उस दिन मैंने जब ये आए चर्च आए ले हैंड लेने के लिए, वो दोबारा से फिर से वही सूजन, सारा कुछ पानी निकलना, फिर से वो सूजन आ गई, फिर से वही सब कुछ, ऐसे लग रहा था पहले जैसा पैर हो जाएगा। तो जब ये चर्च आए तो उस दिन ले हैंड नहीं थी, पर उस दिन जब मैंने बोला कि ऐसे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जिसने भी ले हैंड करानी आगे जा आ जाओ, तो बहुत सारे लोग आगे निकल के आए, जे भी आए, तो उस समय का भी हमारे पास ले हैंड सीन है। तो आओ उस पहले हम ले हैंड सीन को देखते हैं। तुझे बड़ी जरूरत है, जो मुझे खुदाबंद का रूप मुझे दिखा रहा है, तुझे बड़ी जरूरत है, तुझे आत्मा में आना पड़ेगा। जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है खुदाबंद कभी ऐसा ना होने पाए, और वो हो जिसमें महिमा है। यस परमेश्वर, तू भलियाई का परमेश्वर, तू ध्या करने वाला परमेश्वर, तेरी ध्या इसके ऊपर ठहर, तेरी ध्या ठहर। तो जैसे अभी आपने इस क्लिप में देखा ना, तो कैसे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। तो उस समय जब परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो जो विजन परमेश्वर ने मुझे दिखाया ऐसे प्रार्थना करते समय, तो मैंने उस समय तो इन्हें नहीं बताया कि कहीं ये ऐसे डर ना जाए कि वो जो पैर है ना, ऐसे मतलब जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था उस समय मैंने नहीं दिखाया, बताया नहीं मैंने ऐसे इन्हें। तो फिर हमने, मैंने बच्चों को, अपनी टीम को कहा कि इन्हें मतलब बुलाओ। तो फिर मैं, हमने इन्हें भवन में वीरवार को बुलाया, और जब ये दोनों आए और मैंने इन्हें यहाँ पे बैठा कर टीच किया कि परमेश्वर ने उस दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक विजन दिया था, और मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि वो विजन क्या है। फिर मैंने बताया कि वो विजन ये है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, जैसे अपनी अभी वीडियो में देखा, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था थोड़ा आँखों को, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा था वो बहुत ऐसे भयान, मतलब बहुत भयानक चीज़ थी। और जब मैंने इन्हें यहाँ पे वो विजन बताया कि मैंने क्या देखा विजन में, कि वो पैर सूंघड़ा हुआ है, वो पूरी तरह सूख चुका है, जैसे मान लो इतना बड़ा पैर तो इतना सा सूंघड़ गया पूरी तरह। तो ये उस समय एकदम से सुनकर घबरा गए, डर गए। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, परमेश्वर दयावान है और वो दया करेगा, है ना। जैसे मैं अभी जब उस क्लिप में मैं बोल रहा था कि परमेश्वर ऐसा कुछ ना हो तो इन पर दया कर, मैं ऐसे बोल रहा था उस क्लिप में भी। तो मैंने कहा डरो नहीं, कोई बात नहीं है, जो भी आपसे गलती हुई है, क्या हुई है, अगर कोई भी जो भी आपसे गलती हुई है तो आप ऐसा करो कि आप उससे मन फिराओ। तो फिर वो गलती जो हुई थी,
वो ये गलती थी कि क्यों वो जो जिस बच्चे को ये ऑटो पर लेकर जाते रहे ना, मतलब यहाँ पे वो ऑटो पे उस बच्चे को लेकर जाते रहे साथ, जब ऑटो लिया तो वो जाते रहे उस बच्चे को लेकर साथ, तो इनका मन धीरे धीरे जब दो तीन बार उनके साथ गए तो तीसरी बार ना ऐसे इनका मन भी, तीसरी बार इनका मन उनकी जो धार्मिकता थी जहाँ पे भी वो जा रहे थे जो उन्होंने बताया, तो इनका मन भी लग गया कि चलो मैं ये कर लेता हूँ शायद इससे मेरा भला हो जाए, क्योंकि वो जो पेंसिल का जितना वो शेक उंगली जितना था वो भर नहीं रहा था, तो बुद्धि से ये कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया बोलो, तो वो अपनी ये धार्मिकता उसमें लग गए उस समय, फिर ऐसा इनका मन भी ऐसा हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जब इसमें इनका मन लग गया ना ऐसे, तो फिर मन भी नहीं कर रहा था कि आए, पर जब चर्च में आने को भी इनका मन नहीं कर रहा था, पर जब हालात वो आया जब ये आए तो फिर जो विजन परमेश्वर ने दिखाया, जब मैंने इन्हें बुलाया तो फिर मैंने बैठाया, तो मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ देखी है तो कुछ ना कुछ ऐसी तुमसे कोई गलती हुई है। तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया कि हमने क्या गलती की है, तब इन्होंने बताया कि ऐसे वो जो बच्चे को यहाँ पे लेकर जाते थे, तो मैं भी उस चीज़ को उस धार्मिकता को करने लगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अपने फिर से सेकंड बार, पहले भी अपने ये गलती की और दूसरी बार फिर आप ये गलती कर रहे हो, इसीलिए मैंने कहा ये बहुत अपने परमेश्वर के फिर सन्मुख बड़ी मतलब ये बहुत एक खले चीज़ है, परमेश्वर को ऐसे निराश करने वाली है, परमेश्वर के मन में ऐसे जलन उत्पन्न करने वाली ये बात है। तो फिर मैंने इन्हें समझाया फिर से, मैंने कहा फिर अब मन फिराओ, तौबा करो, फिर से परमेश्वर तुम पर दया करे, फिर से वो दयावान परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर, वो माफ़ करने वाला है, तो ऐसा करो कि तुम बैठो और मेरे पीछे पीछे बोलो कि जो भी गलती हुई प्रभु हमें माफ़ कर, है ना ऐसे करके। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था उस समय, तो फिर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो फिर से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, फिर से मुझे एक विजन दिया। जब मैं मन फिराओ की ने प्रार्थना कर रहा, तो जब मैं मन फिराओ की प्रार्थना कर रहा तो एकदम से मेरे ऐसे परमेश्वर ने विजन दिया जैसे रोटियां होती हैं, तो रोटियों को मैंने फिर से दर्शन देखा। जब प्रार्थना होगी तो मैंने कहा कि जब मैं आपसे प्रार्थना आपके लिए मन फिराओ की आपको करवा रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे रोटियां दिखाई हैं। तो ये कहते कि वो उसका क्या मतलब है, तो मैंने कहा रोटियों का मतलब है कि परमेश्वर के आगे तुम अभी कुछ बलिदान मतलब भेंट चढ़ाओ, मतलब इसका है कि तुम खुदा के घर में उसके भवन में लंगर लगाओ, याद है ना, है ना। हाँ जी, तो हाँ है ना। तो फिर उस समय मैंने इन्हें कहा कि ऐसे तुम लंगर लगाओ, है ना, तो याद है ना। तो फिर हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। हाँ जी पापा जी, याद है कि मतलब तू ही बोलिया ही के मतलब रोटियां दी पेड़ लेके आओ, तुहानू परमेश्वर ने दर्शन दिता रोटियां दा, ते तू ही मैं ही वीरवार मीटिंग कीती, वीरवार मीटिंग कीती तो अहीं एहो मन च सोचिया कि मतलब पैसियां दा तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं सी उस समय आपके पास, है ना। हाँ जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे ही, तो पैसों का तो कोई अरेंजमेंट नहीं सी, पर फिर असी फिर भी सोचा कि नहीं जो नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था कि इसी संडे ही लगाओ, नहीं मैंने ऐसे तो नहीं बताया ना कि इसी संडे लगाओ, मैंने तो बस बोला लगाओ। हाँ जी पापा, पर आपके मन में क्या आया पापा जी जब वीरवार मैंने बताया तो ही नहीं बोलिया कि मतलब ऐतकां दे संडे लाओ चाहे अगले संडे लाओ जो ओदे, पर साडे मन दे विच है कि जो भी परमेश्वर ने अपने दास दे मुख तो बोलिया वा ते अहीं नीचे ऐतकां दे संडे पूरा कर देना वा। देखा ना, तो इन्होंने ऐसे जैसे लिखा ना बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान या मनुष्य जो मेरी बातें सुनकर तुरंत मानता है, तो उन्होंने वही वचन के अनुसार तुरंत किया, जबकि पैसे भी नहीं थे, पर उठा के कहीं से भी परमेश्वर के घर में उस भेंट के लिए जो रोटियों की परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इन्होंने लंगर लगाया कहीं से भी पैसे उठाकर। पर जैसे फिर उस काम को जब परमेश्वर ने जो वचन दिया, फिर बताओ कि जब आपने अपने उस वचन को पूरा किया, है ना, जो परमेश्वर ने फिर दूसरी बार मेरी अगुवाई की, कैसे मुझे फिर से परमेश्वर ने दर्शन दिखा रहा था जब मैं मन फिराओ की प्रार्थना कर रहा, जब अपने उस वचन को पूरा किया, तो फिर बताओ फिर ये जो पैर है
फिर कितने दिन में सही होना शुरू हो गया? एक महीने दे बेच बेच बिल्कुल परमेश्वर ने ओके। देख लो एक महीने के अंदर अंदर वो पैर बिल्कुल परमेश्वर ने, जो टाइम तो लगा, लंबा पीरियड लगा ना, समय लगा, ये कितने सन की, 2021 की बात है ना, दो यार बाई की, 22 की बात है। तो कौन सी तारीख थी 2022 की, तारीख कौन सी थी? 21 अगस्त है ना। तो थोड़ा टाइम तो लगा, ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि बीच में कुछ इन्होंने शरीर की चीजें की ना। अभी हमने पहले भी गवाही में सुना कि पहले जब आए तो वो संसार की पहली बार धार्मिकता करने लगे, वो फंडे फूंडे, जब किसी ने रिश्तेदारों ने बताया ये कख लग गया है ना, सांप का वो थूक वाला, तो वो चीजें करने लगे। तो उससे जब किया नहीं, तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करके जब घर लेकर गए, तो तब भी वो चीज जब परमेश्वर सामने लेकर आया ना, तो उस समय तो परमेश्वर ने अपनी देह को दिखाया, पर सेकंड बार फिर जे दुष्ट की युक्ति में फंस गए। इसलिए जे एक लम्मा टाइम थोड़ा लगा इस गवाही को बनने में, पर वो सच में परमेश्वर महान है। अगर वो पहली बार जैसे मेरी इनके घर आए तो उस समय भी इन्होंने बताया, तो उस समय मैंने जो जो चीज़ें समझ आई है ना, तो फिर जब पहली बार आया तो सेकंड बार जब ये उनकी वो चीज़ करने से जब वो धार्मिकता की ना, वो बच्चे वाली चीज़, तो तब भी परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। बोलो क्या है कि मैं देख रहा हूँ ऐसे जिस दिन ये ले हैंड, क्योंकि उस दिन जब ये चीज़ हुई है ना, तो उस दिन क्या हुआ कि ये भी एक मेन बात है कि उस दिन जब ले हैंड थी, जब ये सेकंड बार जब फिर दोबारा हालात आ गया ना, तो उस दिन क्या थी कि ले हैंड भी नहीं थे, क्योंकि हम फॉर्म फिल करते हैं तो तब ले हैंड होती, उस दिन कोई फॉर्म फिल नहीं, कुछ नहीं है। तो जब बस मैंने ऐसे बोला कि जो जो भी ले हैंड कराना चाहते हैं आप आगे आ जाओ, और ये भी आ गए है ना, तो उस दिन भी परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करके बताया जब मैंने इनको घर बुलाया। और फिर जब फिर मन फराओ कि मैं यहाँ पे इनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो फिर से परमेश्वर ने ये विजन दिया मुझे रोटियों का। फिर उन्होंने वचन को माना और पूरा किया, और जैसे वचन को पूरा किया तो परमेश्वर ने आज है ना ये आपके सामने एक महीने के अंदर अंदर वो जो फिर से शैतान अपनी युक्ति से इनके पैर को खराब करना चाहता था ना, इसलिए वो शायद 2 साल से शैतान पीछे लगा था, वो चाहता था कि इनका पैर मैंने कटवाना है ना। जैसे अगर मैंने दर्शन देखा वो सूखी हुआ, तो शैतान तो चाहता है ना ये ऐसे, तो वो इसका पैर कटवाना चाहता है। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसने मेरी अगुवाई करके पहली बार भी जब मैं ले हैंड की और जब यहाँ पे बुलाया, उस समय परमेश्वर ने भी अगुवाई करके उस चीज़ को भी बताया कि तुम अब ये बलिदान करो परमेश्वर के लिए, कुछ भेंट चढ़ाओ। तो जब ये सब कुछ इन्होंने ऐसा किया, तो आज रिजल्ट आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप, पैर दिखाऊं आगे करो है ना। तो ये बिल्कुल अभी ये इनका पैर है जो फिर से बड़ा ख़राब हो गया था, बिल्कुल सूख गया है, एकदम से साफ है, कोई जख्म नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस वो छोटा सा वो जो ऊपर वाला निशान देखे ना, जो उंगली जैसा मैं बता रहा था, ये वो थोड़ा सा लाल लाल हल्का सा नज़र आ रहा है ना, तो ये पूरा भर गया, अभी पूरा साफ हो गया है। और परमेश्वर ने ये एक बड़ा चमत्कार किया है, तो इसलिए इस बात के लिए मैं सारी महिमा और इज्जत और जलाल उस परमेश्वर के नाम को देता हूँ जिसने इनके जीवन के बचाव के लिए मेरी अगुवाई की, कैसे इनके घर लेकर गया, पहली बार लेकर गया, फिर दूसरे हफ्ते परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, फिर जाओ, फिर जाकर पूछा, सब कुछ कर रहे हो तो कैसे परमेश्वर ने उस वचन से कैसे जो इतने लंबे समय से है ना, 3 महीने से प्लस, तो ये 4 पाई पर है ना, 4 पाई पे, और कैसे कैसे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करके इनकी ज़िंदगी में इस बड़े काम को, इस बड़े चमत्कार को परमेश्वर ने किया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जितने लोग भी
इस गवाही को सुन रहे हैं ना अभी, तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या, प्रॉब्लम, कोई हालात है, कोई दुष्ट आत्मा तंग करती है, या किसी भी तरह का आपको समझ नहीं आ रही, आप चर्च आ रहे हो या कुछ ऐसा है, तो आप ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल सकते कर सकते हो, जहाँ हमारी चर्च आ सकते हो। ये बटाला रोड मूदल गांव है, वहाँ पे आप आ सकते हो फ़ोन पर कॉल्स करके। और मेरा शांस है कि जितने लोग भी इस गवाही को शांस से जिन्होंने सुना और अपने जीवन में लिया है, परमेश्वर उनके जीवन में भी ऐसे वो बड़े कामों को करने की सामर्थ रखता है। तो इन सब बातों के लिए मैं सारी महिमा फिर से परमेश्वर के नाम को देता हूँ और प्रभु के जीवित और पवित्र नाम से मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे इस गवाही से, यीशु मसीह के नाम से।